अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज देखें, पहले मौसम देखें, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश का समय बना हुआ है और बस बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट भी हो रही है ना। और आज जो है सर्दी भी हो रही है और बारिश भी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और इस अच्छे से मौसम में, प्यारे प्यारे से मौसम में मैं जा रही हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी शॉपिंग करने। ये शॉपिंग जनाब प्लांट्स के मुझे लेने हैं, कुछ प्लांट्स, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, चलते हैं, चल के मिल के ज़रा से पौधे लेके आते हैं, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गया और मेरा दिल है कि मैं ला के सर्दियों के थोड़े थोड़े से पौधे जो हैं वो ला के लगाऊँ। और तो मैंने सोचा पहले आपको मौसम भी दिखा लेती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारे यहाँ हो रहा है। कुछ इलाकों में गर्मी है, अल्लाह करे कि वहाँ पे भी अल्लाह ताला अपना करम करे, मौसम अच्छा हो जाए। हमने भी खैर खूब गर्मी के दिन देखे हैं और अब जो है थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी बेहतर है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अभी हम लोग सर्दी को इन्जॉय कर रहे हैं। अभी आप लोग भी मेरे साथ रहें, चलें हम लोग साथ में चलते हैं और थोड़ी सी प्लांट्स की शॉपिंग करके आते हैं। तो चलें नर्सरी चलते हैं। ये वाले फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुभान अल्लाह भाई, कितने कलर हैं। जी चाहते हैं सारे ही बंदा उठा ले। सारे खूबसूरत कलर के, साइड पे भी मेरे साथ साथ आप भी देखें पौधों के या नर्सरी। अरे ये वाले भी कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, येलो कलर कितना नाइस लग रहा है भाई। वाइट कितने सुभान अल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं सारे। तो मिंट ले लूँगी और एक दो सैलेड उठा लेती हूँ विंटर की। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खामोशी ना, देखें प्यारे प्यारे से पॉट्स रखे हुए हैं। दिल चाहता है सारा कुछ ही बंदा ले जाए, इतने अच्छे लगते हैं पौधे। तो पता नहीं कौन कौन से रखे हुए हैं भाई, अब जल्दी जल्दी सारे कह रहे हैं कि करो क्योंकि शाम हो गई है, अब मेरा दिल नहीं चाहता इधर से निकलने का। यहाँ मिली की इसके चिली के आप देखें तो कितनी तरह के, तो सिर्फ आपको चिली के ही नहीं नज़र आ जाएंगे प्लांट्स। ये स्ट्रॉबेरीज के लगे हुए कुछ, देखते हैं कि कितने हैं। ये $6 के लगे हुए, ये किस चीज़ का लगा हुआ है, ये फ्लावर्स के। कुछ ये लगे हुए स्ट्रॉबेरीज के, मेरा दिल है कि छोटे वाले उठा लूँ कुछ ना, तीन चार, कम से कम तीन चार पौधे तो हों, वो खुद ही बढ़ते रहेंगे। ये देखते हैं जो इस तरह के पॉट्स में लगे हैं बड़े, इनकी क्या प्राइस लिखी हुई है। इसके पीछे बैक पे देखते हैं प्राइस, प्राइस तो इधर मुझे नहीं दिख रही, कम से कम भी $12 के आई थिंक होंगे। छोटे वाले जो हैं ये लगे हुए हैं 449 के, अराउंड 5 के। मेरा दिल है दो तीन ये उठा लूँ छोटे वाले। कुछ ये लगे हुए, ये मेरी बेटी भी सर ट्रॉली लेके अपने है, क्योंकि ना ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अगर बच्चे इस उसमें रहते हैं ना गार्डनिंग का, इसको भी शौक़ है, इसको भी मैं लेके देती हूँ हमेशा फ्लावर वाले कुछ, तो ये खुद ही ग्रो करती है, फिर उनकी केयर भी खुद करती है ना, तो अच्छा होता है बच्चों के लिए बहुत। ओके मेरा यहाँ पे हैं कुछ सैलेड के,
दिल तो चाह रहा सारे उठा लूँ, थोड़ी थोड़ी जाके लगाती हूँ। पार्सली, ये दूसरे बहुत सारे हर्ब्स हैं यहाँ पर सारे ना। सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये लगी हुई है कुछ सैलड, ये लगे हुए हैं, ये भी पार्सली लगा हुआ है। अच्छा जनाब, इस साइड पे कुछ वेजिटेबल हैं, ये देखिए ये हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज के, देखें इसे फ्लावरिंग पे। मैं लेके ना कुछ ऐसे उठा लेती हूँ, तीन चार छोटे छोटे से ना, तो अच्छा है कि वो ग्रो हो जाएंगे घर जाके, इनको फिर रखेंगे, क्योंकि बड़ा तो एक ही दो ही में ले पाऊँगी, तो मैं छोटे मेरा दिल है कुछ उठा लेते हैं। अभी है सीज़न ना, आगे तो विंटर अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। ये सारे लगे हुए हैं, ये सैलड है, दिल है, ये भी एक उठा के ले जाऊँ, जाके लगाते हैं विंटर में ना। साइड पे लगे हुए हैं ये कुछ, इसमें प्राइस नहीं लिखी हुई, आई डोंट नो कहाँ पे, इसमें पॉट पे नज़र नहीं आ रही। ये भी सरल लगा हुआ, इसकी भी प्राइस पता नहीं चल रही भाई। ये है कुछ सैलड है, ये मेरा दिल है छोटी कुछ ये उठा लूँ इसमें से ना। और अच्छा उस साइड पे आते हैं, हम उधर देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। इधर आओ तो फिर निकलने का दिल नहीं करता, इंसान कहता है कि सारा कुछ ही बस लेके चला जाए। अरे ये देखिए यहाँ पे मिंट, कई किस्म का मिंट है, ये वाला मिंट है, मेरे पास मिंट भी फिनिश हो गया, मैं कह रही हूँ मिंट का भी पौधा उठा लूँ। ये है यहाँ पे देखें पॉट्स कितने अच्छे अच्छे हैं ना। अभी तो मैं सब देख रही हूँ, फिर मैं चलती देखती हूँ कि मुझे लेके क्या जाना है। यहाँ पर है अच्छा, यहाँ पे कुछ गार्डन में लगाने के लिए भी है ना, अच्छा से स्टफ। ये देखें ये आप गार्डन में लगाएं, ये देखें ये बने हुए हैं। अच्छा ये देखो ये कितने प्यारा सा ये बना हुआ है गार्डन लगाने के लिए, है ना। शीप और बर्ड्स प्यारी लग रही हैं। ये यहाँ पे लगे हुए हैं,
अच्छा मेरा ख़्याल है मैं ये सैलड है ये उठा लेती हूँ। है ना, ये हम थोड़ा ट्राई करेंगे लगाने की। और उठा लेते हैं पालक, तो मैंने ग्रो की हुई है। और ये स्ट्रॉबेरी जो है वो मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, तो स्ट्रॉबेरी हम ये लगा लेते हैं। ये मैं उसी के हवाले करूँगी, वो इसी केयर करेगी ना। बच्चे भी इतना बिज़ी रहते हैं और बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। कम से कम दो उठा लेते हैं ना, देखते हैं। चलो, और वो मैंने अपनी बास्केट कहीं रख दी इसमें मैंने। एनीवेज और उठाते हैं हम, देख रहे हैं। मैं इधर मिंट का देख रही हूँ, एक बड़ा पिंच मिल जाए तो वो मैं इससे रख लेते हैं। मिंट भी कई किस्म के होते हैं, पहले मेरे पास था बड़ा खुशबू वाला था तो पेपर मिंट ना वो बड़ा अच्छा था वो। अब ये वाला देख लेते हैं, मिंट लगा तो ये भी है कहने को। इसकी स्मेल चेक करते हैं, हाँ इसकी भी नाइस है। पता नहीं कितने का लगाया हुआ, इसका पूछना पड़ेगा भाई। एक ही उठा लेती हूँ, सोच रही हूँ अच्छा लग रहा है। ये सब फ्लावर्स के लगे हुए हैं और यहाँ पे बड़े मज़े के लगे होते हैं। वो $2 में ना प्लांट्स यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे पॉट्स, वो मैं अक्सर लेके जाती हूँ, तो वो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाती हूँ तो बड़ा अच्छे वो लगते हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, ये भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे इंडोर हैं। गार्डन में देखें यहाँ पे मैंने ले आई हूँ, अब मैं इसको लगाती हूँ। ये मैंने सारे कल जो ख़रीदे थे ये सारे यहाँ मैंने सारे अपने प्लांट्स को लगा दिए। ये जो सैलेड था ये भी मैंने लगा दिया, स्ट्रॉबेरीज के ये सारे लगा दिए। और यहाँ ये मेरी चिली लगी हुई है, ये बड़ी प्यारी ये चिली है। इसके ऊपर ये रेड और ये ऑरेंज और पर्पल कलर की चिलीज आती हैं। ये थोड़ा मेरा ख़राब हो गया था, माशाल्लाह से फिर ग्रो हो रहा है। मैंने खाद वगैरह डाली, थोड़ी केयर की है, तो देखो कितना अच्छा सा हो गया। और बस बाकी ये टमाटर लगे हुए हैं मेरे गार्डन में कुछ, ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर ग्रो हो रहे हैं। बड़ी खुशी होती है ना जब आपने कुछ लगा होता है, अपने हाथ से लगाया होता है, चाहे वो ज़रा सा भी हो, वो बहुत ख़ास होता है आपके लिए, है ना। ये चिली का है, ये भी इसमें अब ख़त्म हो गए, अब कुछ फ्लावरिंग हो रही है। और बाकी मेरा गार्डन है ये, और यहाँ पर मेरे पास पालक लगी हुई है। ये थोड़ी सी हमारी ग्रो हो रही है कि पहले एक दफ़ा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, सेकंड टाइम में दोबारा हो रही है। अभी यहाँ पे बैंगन लगा हुआ है, इससे भी 2-3 बैंगन मैंने हार्वेस्ट कर लिए थे, तारे मैंने, तो बड़ी खुशी हुई मुझे ना।
उतने स्पेशल बैंगन थे मेरे लिए, मैंने बड़े अच्छे मसाले वाले वो बनाए थे। तो बाकी ये है अभी कुछ ये लगा हुआ फ्लावर और कुछ वो है। यहाँ मैंने ये मैंने अभी रिपोर्ट किया है और ये तो मुझे बाहर से आउटसाइड से कहीं से मिल गए थे, ये मैं उतार ले आई थी इसकी कटिंग और लगा दी। माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो रहा है ये ना। और कुछ ये मैंने खुद ही बना के लगाए हुए हैं लड़ी बग ये, और ये मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो बस मैं यहीं पे अपना आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग करके, पौधे लगा के। आप वेट करती हूँ कि कब इसमें स्ट्रॉबेरीज हमारी लगती है, फिर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलूंगी किसी नई वीडियो में नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।